मध्य प्रदेश के बैतूल में नए साल में जन्मी बेटियों का स्वागत सोने और चांदी के लॉकेट से किया गया। इस दौरान बेटियों को जन्म देने वाली माताओं का भी सम्मान किया गया। समाज सेवियों की यह पहल पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिला अस्पताल में एक प्रसूता ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, जिसमें एक को सोने का और एक को चांदी का लॉकेट दिया गया। इसी में साथ दूसरी प्रसूता की पैदा हुई बेटी को सोने का लॉकेट भेंट किया गया। बेटी के जन्म पर माताओं का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया, जबकि 21 अन्य बालिकाओं को चांदी के लॉकेट बांटे गए, जो दिसंबर के आखिरी दिन पैदा हुई थी। बैतूल के जिला अस्पताल में नए साल पर पैदा हुई बेटियों का स्वागत करने पहुंचे समाज सेवियों का कहना है कि बेटी के जन्म पर परिवार सोचता है कि काश बेटा होता, और इसी सोच को बदलने के लिए यह आयोजन किया गया है। साल 2011 की जनगणना में 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान 2015 में जनवरी में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य लड़कों और लड़कियों में लिंगानुपात के अंतर को कम करना है। एक्चुअली हमने इस साल जो 1 जनवरी को जो मतलब जो बेटियां पैदा होती हैं उनको हमने ना गोल्ड और सिल्वर की कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आजकल वो ज़माना गया है जब बेटा और बेटी में जब फर्क होता था, आजकल इक्वल माना जाता है, तो हम उतनी खुशियाँ मनाना, तो जितना बेटा होता है बेटी होती है ना, हम इक्वल खुशियाँ मनाना चाहते हैं लोगों के साथ। तो लोगों की जो भावना रहती है लोगों के मन में कि बेटा और बेटी का जो भेद है वो ना करें, इक्वल माना जाए बेटा और बेटी का। मेरी दो शायद गोल्ड के थे, बाकी सिल्वर हैं। 13 बेबी हैं, जैसे भैया ने बताया, शैलेंद्र भैया ने बताया है। तो एक्चुअली सब उनका ही रहता है, उनकी मतलब मार्गदर्शन भैया का ही रहता है हर साल। तो हमारी इच्छा रहती है, बाकी मार्गदर्शन हमेशा भैया ही करते हैं हमें हर साल। जिला अस्पताल में नए साल पर जन्मी बेटियों का स्वागत करने आए समाज सेवी का कहना है कि हम लोग बेटियों को जन्म देने वाली माताओं को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया है। देश में लगातार घटती कन्या शिशु दर को संतुलित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। आज फर्स्ट न्यू ईयर है और हमारी को बेटी हुई है, तो संस्था वाले आए थे, उन्होंने उसको सम्मानित किया, चांदी का लॉकेट दिया है, नारियल दिया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बेटी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।